देशबंधु कॉलेज के जितने भी गुरु हैं उन सभी गुरुओं के चरणों में मेरा चरण स्पर्श और मेरा नमस्कार। और मेरा सौभाग्य है, मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि आज मुझे आपने इस बहुत ही अच्छे कार्यक्रम में शामिल किया। और मैं जो गुरुदेव है राजीव जी, गुरुदेव इसलिए कह रहा हूं कि आज देशबंधु कॉलेज की जिम्मेदारी जो है वो श्री राजीव अग्रवाल जी के ऊपर है, और मैं उनको हमेशा गुरु जी कह के बुलाता हूं, क्योंकि पहले भी जो मेरे गुरु थे हमेशा मैं उनके चरणों में रहता था। तो राजीव जी, आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आपने एलुमनाई मीट जो याद रखी है, और उसमें बहुत सारे पुराने लोग जिन्होंने देशबंधु कॉलेज का नाम रोशन किया है और देशबंधु कॉलेज के साथ साथ हमारे हिंदुस्तान का भी नाम रोशन किया है, ऐसे लोगों के बारे में आज पता चला। उन सभी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आप लोगों ने कॉलेज के साथ साथ देश का भी नाम रोशन किया। और देशबंधु कॉलेज के बारे में मैं एक बात कहना चाहता हूं, कौन कहता है देशबंधु कॉलेज को मैंने भुला रखा है, देशबंधु कॉलेज को अपने सीने से लगा रखा है। राजीव गुरुजी, चीर के देखो मेरे दिल को, देशबंधु कॉलेज को कैसे अपने दिल में सजा रखा है। क्योंकि क्योंकि आज आज मेरा जो भी कुछ है, आज मुझे जो भी आपने मेरे बारे में थोड़ा बहुत बताया है, ये सब देशबंधु कॉलेज और मेरे गुरुओं का आशीर्वाद। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगा मेरे समय के जो प्रिंसिपल रहे डॉक्टर बलबीर जी का, और मेरे जो डीपी सर थे एसपी मलिक जी का। आप लोगों का मैं कभी एहसान नहीं उतार सकता, एक गरीब घर के बच्चे को आप लोगों के आशीर्वाद से जो कॉलेज से व्यवस्थाएं मिलती थी, उस समय गरीबी बहुत ज्यादा थी परिवार के अंदर, और देशबंधु कॉलेज के जो हमारे डीपी सर थे एसपी मलिक सर, मुझे डाइट के लिए पैसे दिया करते थे उस समय। और जब मैं बॉडी बिल्डिंग करता था तो उस समय बड़ी परेशानियां हुआ करती थी परिवार की तरफ से, और जो कैंटीन है, कैंटीन में जो चाचा थे, चाचा मैं आज सबके सामने बोलना चाहता हूं, आपका मेरे ऊपर बहुत कर्ज है और बहुत एहसान है आपका मेरे ऊपर, और मैं अपने गुरुजी एसपी मलिक साहब से भी बहुत हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। गुरुजी, आपके नाम से कभी कभार हम कैंटीन के लिए आपके साइन करके नकली पर्ची बना लिया करते थे, और जो कॉलेज के चाचा थे, चाचा को हम दे दिया करते थे और हम वो खाना खा लिया करते थे। तो आज मैं सभी के सामने आपसे माफी मांगता हूं, क्योंकि आप लोगों के आशीर्वाद से हम आज यहाँ तक पहुंचे। और जो हमारे प्रिंसिपल सर थे, उन्होंने मुझे बहुत आगे बढ़ाया, यहाँ तक कि मेरी जो कॉलेज की फीस थी वो भी गुरुजी ने भरी, उसके लिए भी मैं कभी उनका एहसान नहीं भूल सकता, और देशबंधु कॉलेज को मैं कभी नहीं भूल सकता। तो आज चाहे मैं काउंसलर हूँ, चाहे डिप्टी मेयर हूँ, जो कुछ हूँ, सब इस कॉलेज के आशीर्वाद से हूँ। और कहना चाहता हूँ कि अगर कभी भी मेरे लायक कोई भी इस कॉलेज का काम हो, कोई भी मेरे लायक सेवा हो, क्योंकि मैं आज जो भी कुछ बनाऊं, सुबाद बनाना तो एक खाली स्लेट थी, उस स्लेट के ऊपर जो भी कुछ लिखा है आप लोगों ने लिखा है, मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। तो जो भी कोई काम हो कभी भी, राजीव गुरु जी आपसे निवेदन है, मुझे हमेशा बताया करो। और जितने सभी पुराने दोस्त आज मुझे कहीं देखने के लिए मिले, और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि एक प्रोग्राम जितने भी आज इस एलुमनी मीट से जुड़े हैं, उन सभी का मैं अपनी तरफ से एक डिनर का प्रोग्राम रखना चाहता हूँ। अगर आप लोगों की इजाजत हो, आप सभी मुझे आशीर्वाद दें, तो जितने भी लोग आज इस मीट में जुड़े हैं, उन सभी को मैं अपनी तरफ से एक छोटा सा भोजन कराना चाहता हूँ। तो आप इसका एक गुरुजी प्रोग्राम बना लीजिए। और आखिरी में बस एक ही बात कहूंगा कि जितना दिया देशबंधु ने मुझको,
उतनी मेरी औकात नहीं, ये तो कर्म है मेरे डॉक्टर बलबीर सिंह जी का, वरना मुझ में तो ऐसी कोई बात ही नहीं। ये सब आप लोगों का दिया हुआ है, आज जो जीवन है आप सभी के आशीर्वाद से है, और हमेशा आप लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। और कोरोना काल चल रहा है उसमें थोड़ी सी आप लोगों को अभी अपनी और कॉलेज की सुरक्षा करने के लिए मैं आपको निवेदन करता हूं। और एक और निवेदन करना चाहता हूं। सर आई गॉट एक और सुभाष सर आप अनम्यूट हैं। आप म्यूट हैं सर, अनम्यूट कर दीजिए लास्ट में। कैन यू हियर मी नाउ, मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर। मैं आज भी देशबंधु कॉलेज में आता हूं, और उसके बाहर से जो बाहर वो रसगुल्ले और ब्रेड वाला खड़ा होता है, तो मैं आज भी जाके उसके रसगुल्ले और ब्रेड खा के आता हूं, और कैंटीन में भी जाता हूं बिना किसी को बताए, जाके चुपके से वहां समोसे और ब्रेड वगैरह खा के आता हूं। पुरानी याद मुझे रहती है, लेकिन आगे से राजीव सर और स्टाफ को बता के आऊंगा कि जब भी मेरा मन करेगा वहां पुराने ब्रेड और समोसा खाने के लिए, तो मेरा सौभाग्य है। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी मेरे लायक सेवा हो, कोई भी मेरे लायक काम हो, आप मुझे सेवा का मौका बहुत जरूर दीजिए। सभी गुरुओं को मेरा चरण स्पर्श।